हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हरे चने को स्टोर करना। हरे चने जिन्हें की छोड़ भी कहा जाता है, आप इसे कैसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं देखिए। एक बार मेरे तरीके से इन्हें स्टोर कीजिए और एक साल नहीं कई सालों तक इन्हें स्टोर करके और खा सकते हैं। जब कोई सब्जी नहीं होती है तो हम अचानक से या मेहमान आ जाए तो हम फटाफट इसे बना सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने हरे चने ले लिए हैं। यदि आप बाज़ार से निकले निकलाए लेकर आए हैं तो पहले इन्हें अच्छे से वॉश कीजिए, क्योंकि वो लोग भी इसे ताज़े तोड़ने के बाद में भी पानी में स्टोर करके रखते हैं। तो एक बार साफ़ पानी से अच्छे से इसे धो लीजिए। हमने एक तरफ एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब पानी को बॉयल आ गया तो हमने इसमें चनों को डाल दिया है। बस इन्हें अच्छे से हिलाइए और हिलाने के बाद में भी जब इसमें हल्का सा बॉयल आने लगे, एकदम इसे उबालना नहीं है हमें। और देखिए, हमने यहाँ पर बर्फ़ जमा कर रख ली थी, 3 कटोरी बर्फ। हम इसमें से 1 कटोरी जो है बर्फ़ इसको पिघलाएंगे। इसमें पानी डालकर हम रख देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए और ठंडा पानी बन जाए। यदि आपके पास पहले से फ्रिज में ठंडा पानी है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से चिल करके पानी को रख लीजिए। ये देखिए, हम इस तरीके से इसे मेल्ट होने के लिए डाल रहे हैं। और बाकी जो 2 कटोरी हैं वो भी हमने फ्रीज़र में से बाहर रख दी है ताकि वो भी मेल्ट हो जाए। जब तक ये देखिए, ये इसको बॉयल आ रहा है, इसे हल्का सा बॉयल आ चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, आ चुका है। अब हमें इससे ज़्यादा इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में खाली करेंगे। आप इसे स्ट्रेनर में छान लीजिए अच्छे से और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रखिए। ये देखिए, हमने इसे स्ट्रेनर में खाली कर लिया है और नीचे जो है एक बड़ा सा बर्तन रख लिया है ताकि इसमें जब हम ठंडा पानी डालें तो ये अच्छे से जो है ठंडा हो सके और पानी जो है वो बाहर भी ना गिरे। ये देखिए, और बस इस तरीके से आप इसी के ऊपर रख दीजिए गरम गरम पे ही, तो ये फटाफट से बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। और बस 2 मिनट ही लगते हैं कि भाप से बर्फ़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ये देखिए, हमने सारी कटोरियों को खाली कर लिया है। बस इस तरीके से आप इसमें रख दीजिए और इसके अंदर ही चाहें तो इस बर्फ़ को आप दबा कर रख दीजिए। बस इस तरीके से दबाइए और जब ये पूरा पानी मेल्ट हो जाए उसके बाद नीचे का पूरा पानी निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए पानी को निकाल कर हल्का सा इसे सूखने दीजिए। इसे हमें फैला कर नहीं सुखाना है, ना इसमें शक्कर, ना हमें इसमें नमक डालना है। अब हम इसे 2 तरीके से स्टोर करेंगे। यदि आपके पास कोई डब्बा है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो पॉलीथीन में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं तो इसे डब्बे में स्टोर करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे पॉलीथीन में भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम साल भर के लिए स्टोर करते हैं तो हम पॉलीथीन पे पॉलीथिन्स रख देते हैं तो वो इनमें बर्फ़ जम जाती है, तो इस वजह से जब हम निकालते हैं तो पॉलीथीन फटने लगती है। ये मैं वीडियो में दिखाने के लिए इसे पॉलीथीन में भी पैक करके बता रही हूँ। और अक्सर हमारे घर में प्लास्टिक के छोटे डब्बे होते हैं, पुराने टिफिन्स होते हैं, मिठाई के डब्बे होते हैं, तो हम उनमें इसे स्टोर कर सकते हैं। कोशिश यही कीजिए कि इन्हें छोटे डब्बे में स्टोर कीजिए ताकि हमें थोड़ी ही क्वांटिटी में चाहिए होता है तो हम इसे इजीली निकाल यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर।